नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ पौधों को लेकर कि किस तरीके से जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार है उस संचार को, नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को कम करते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा के संचार को घर में बढ़ाते हैं। अब अगर सबसे पहले बात करें तो घर का जो मुख्य द्वार होता है ये काफ़ी अहम माना जाता है। ये कहा जाता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी जो है वो घर में आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो घर में आती है, साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी का जो वास है वो भी मुख्य द्वार से ही होता है। तो ऐसे में मुख्य द्वार को लेकर काफ़ी सजग होना चाहिए। और आपको बता दें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कुछ पौधे जो हैं वो लगाने चाहिए। ऐसा कहा गया है वास्तुशास्त्र में कि अगर आप अपने मेन गेट पर कुछ फूलों वाले पौधे लगाते हैं तो उससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ता है, घर में पॉजिटिविटी जो है देखने को मिलती है और घर से नेगेटिविटी दूर होती हुई नजर आती है। साथ ही साथ तुलसी के पौधे को लेकर भी जिक्र किया गया है। ये कहा गया है कि आप अपने मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं और नियमतः उसके सुबह शाम आप पूजा भी करें। और ऐसा करने से आपको बताएं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम होता हुआ नजर आता है। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पौधों को लेकर यह भी जिक्र किया गया है कि जैसे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, इन इंडोर प्लांट्स को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और इसमें किसी भी पौधे को आप लगा सकते हैं। किसी पौधे का जिक्र नियमता नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा गया कि जो हरे पौधे होते हैं उन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट्स को आप समय समय पर इन्हें आप अपने घर से बाहर निकाल कर धूप भी दिखाते रहें ताकि पौधे ना सूखे। और वास्तव में ये भी कहा गया कि अगर आप पौधों को घर में लगा रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि पौधे सूखे नहीं। अब दूसरी ओर बात करें तो पौधों को घर के अंदर लगाने से आपको बता दें कि घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा जो है वो कम होती है, घर में पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। और ये भी कहा जाता है कि जब घर में पॉजिटिविटी रहती है तो लोग जो है, पारिवारिक माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी ओर अगर साइंटिफिक बात करें तो साइंटिफिक रीजंस भी इसके काफ़ी सारे सामने हैं। अगर आप घर में पौधे लगाते हैं, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं काफ़ी सारे लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके घर के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि जाहिर तौर पर पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।